नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो एक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए, एफएमसीजी जो सेक्टर है तो वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। तो एफएमसीजी का जितने सारे कैटेगरीज है, जहाँ पे पर्सनल केयर अलग इंडस्ट्रीज है, जैसे फूड्स के अलग इंडस्ट्रीज है, तो इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो आज मैं पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज से बिलोंग करने वाले कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा, जो देखा जाए तो बजाज ग्रुप के ही कंपनी है। तो बजाज ग्रुप के ही नाम लेते ही आपको कंपनीज के बारे में पता ही चल गया। तो मैं बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। तो बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो बजाज आमला इस तरीके से प्रोडक्ट बेचते हैं, ऑयल बेचते हैं, तो उसका और कौन सा प्रोडक्ट है, और क्या इस कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे? जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला, जिस तरीके से स्टॉक ने रिकवरी किया, तो क्या वो फिर से खड़ा हो पाएंगे? तो कुछ पॉइंट्स और कुछ प्रीवियस डेटा आपको दिखाऊंगा, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इस कंपनी कौन सा दिशा में जा रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मिलता रहेंगे। तो एज ए लर्निंग पर्पज में इस सारे चीज को ज्वाइन करके रखिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो द न्यू पैकेजिंग ऑर्डर ऑफ इंडिया एफएमसीजी। तो जितने सारे पैकेजिंग कंपनी बन चुके हैं, मतलब जितने सारे एफएमसी सेक्टर का कंपनीज है, उनमें आप बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे जो सबसे ज़्यादा पैकेजिंग कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेच चुके हैं। तो वो कौन सा कंपनी है? तो उनमें से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। तो उनमें से लास्ट नंबर में जिसका नाम आता है वो है बजाज कॉरपोरेशन। तो मतलब बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो वो कंपनी का टोटल जो रेवेन्यूज है 791 करोड़। तो जितने सारे कंपनीज है वो चार फोर डिजिट में है, मगर यहाँ पे तो फोर डिजिट का थ्री डिजिट में देखने को मिला है, और वो भी करीबन करीबन 800 करोड़ के आसपास। तो सोचना कंपनी कितने बड़े प्रेशर में आपको देखने को मिल रहा है। अगर उस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करूँ, मतलब उस इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ, तो नंबर वन कौन है पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में? डाबर, उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर, उसके बाद मैरिको, इमामी, ज्योति लेबोरेटरीज, उसके बाद जिस कंपनी का नाम आया वो है बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर के डिटेल्स और डेटा क्या है, देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा तो जो आप ध्यान से देखिएगा। तो कंपनी का जो डिटेल्स है, एक चीज मुझे बहुत खास लगा वो है कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेब्ट है, मगर कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से वैल्यूएशन भी बाकी कंपनी से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी अच्छा खासा देखने को मिला, पीबीपी रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिला। तो कंपनीज के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप सभी जानते हैं बजाज का जो आमला जो केस तेल है वो इसी का ही प्रोडक्ट है, इसी का ही ब्रांड है। देखिए बजाज आमल ड्रॉप, ये बहुत पुराना ब्रांड है, आप इस ब्रांड से बहुत बार देख चुके हैं। इसका कोकोनट ऑयल भी है, साथ ही साथ आप देखिए कोको कोको यहाँ पे देखिए ऑन साथ ही साथ कोको ऑयल्स भी है, साथ ही साथ कोकोनट ऑयल भी है, बजाज अमल ड्रॉप भी है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बेचते रहते हैं। बजाज 100% प्योर, बजाज यहाँ पे देखिए सरसों का तेल, सरसों अमला, तो इस तरीके से वो अलग अलग प्रोडक्ट वो बेचते रहते हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट जो है टोटली ऑयल के ऊपर से, मतलब ऑयल प्रोडक्शन के ऊपर है। तो कंपनी 70 ईयर्स पुराना कंपनी है, देखिए 70 साल पुराना होने के बाद आज कंपनी फिर से खड़ा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम इतना पुराना कंपनी और भी तो है, टाटा है, साथ ही साथ देखा जाए डाबर भी है, मैरिको भी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है। तो वो कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है आप जाकर देख सकते हैं। देखिए कुछ ही दिनों में पतंजलि, सोचिए पतंजलि कितने बड़ा मार्केट को कैप्चर किया, क्योंकि उनका जो थिंकिंग था वो कितने कम दिनों में मार्केट को कितना बड़ा कैप्चर किया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको देखना है कंपनी का स्टार्ट कब हुआ था और तब से लेकर आज तक हालत क्या है, वही से पता चलेगा इसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है। देखिए कंपनी का टोटल हैप्पी कस्टमर कितना है, 6 करोड़, ओनली 6 करोड़। तो करीबन 150 करोड़ के आसपास आबादी है हमारा देश में, तो उनमें से 6 करोड़ इसका कस्टमर है। तो सोचिए कितना कम कस्टमर लेके घूम रहा है। तो 30 कंट्रीज के ऊपर कंपनी माल बेचते रहते हैं। तो कंपनी के 30 जो कंट्रीज है, जो ग्लोबली मार्केट है, वहां से ज्यादा कंपनी अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर किया। इंडियन मार्केट तो है ही, साथ
ही साथ चाइना है, साथ ही साथ आप ऑस्ट्रेलिया मार्केट है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका दोनों अमेरिका में ही कंपनी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। सबसे ज़्यादा वो कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं अफ्रीका में। आप मतलब अफ्रीका साथ ही साथ मतलब ओमान, कतार, सऊदी अरबिया, इस तरीके से जगह पे कंपनी का, कुवैत, तो इस तरीके से जगह पे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। साथ ही साथ कंपनी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में भी माल बेचते हैं। साथ ही साथ कंपनी इंडोनेशिया, सिंगापुर, साथ ही श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो इस तरीके से जगह पे भी कंपनी माल बेचते हैं। हांगकॉन्ग में भी बेचते हैं, चाइना में, बांग्लादेश में भी है, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो कंपनी का खासियत तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है वो आपको देखना है, उस बेसिस से आपको पता चलेगा इस कंपनी के ऊपर टिके रहना है कि नहीं है। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी कितना छोटा कंपनी है, 2,300 करोड़ के आसपास है। देखिए जो कंपनी इतनी पुराना कंपनी है, आपको मैं साल दिखा चुका हूँ, 70 ईयर्स बिजनेस का एक्सपीरियंस है, 70 सालों में कंपनी अभी भी 2,000 करोड़ के आसपास है। इसका मैनेजमेंट टीम कितना वीक है आप सोच सकते हैं। कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 37 है और इसका पी रेशियो 17 है, मतलब बहुत अच्छा खासा लेवल रेंज में देखने को मिला। कंपनी के पास छोटा मोटा कर्जा है, 170 करोड़ का इनकम भी करते हैं, 118 करोड़ के आसपास कंपनी के हाथ में कैश भी है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 2.56% के आसपास है। इसका मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 2.5 रुपीज के आसपास यहाँ पे पेमेंट करना पड़ रहा है। कंपनी सबसे ज़्यादा डिविडेंड दे चुके हैं, 69% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट तो किया मगर प्रॉफिट को ग्रोइंग मोड में नहीं लेके गया। 120 करोड़ था 10 साल पहले, आज भी देखिए 170 करोड़ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस करना चाहिए था मगर उसको मैनेजमेंट टीम ने कर नहीं पाया, इसलिए आज तक कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिया, कंटिन्यूसली लॉसेस दिया। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के बाद FISDS से कई गुना ज़्यादा पब्लिक ने माल उठा कर रखा, क्योंकि पब्लिक को सस्ते से सस्ते कंपनी चाहिए और कंपनी भी शायद आज आपको लॉसेस दे, फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, इस तरीके से सोचकर भी निवेश कर देते हैं। कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन करता है, इसका मतलब कंपनी जो प्रॉफिट दिखा रहा है उस हिसाब से कंपनी यहाँ पे कैश फ्लो को भी मेंटेन किया। तो इसका चार्ट पैटर्न कुछ अलग बता रहा है। चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है आप देख सकते हैं, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ जब से तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार गिरावट हुआ, और वो भी कोविड के सिचुएशन में कंपनी में भारी भरकम गिरावट हो गया था, करीबन कंपनी आ गया था 117 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी रीबैक भी किया और करीबन 320 रुपीज़ के आसपास गया था, मगर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, कंटिन्यूसली गिरावट माहौल देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से गिरावट हो रहा है यहाँ पे जो लो रेंज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा और वो भी 117 से 118 रुपीज़ के आसपास। तो इस रेंज के बेसिस में देखा जाए तो इस रेंज को अगर तोड़ता है तो एक भारी भरकम गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी मेन पॉइंट जो है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं जरूर कहूँगा आपको FMCG सेक्टर में निवेश करना है, अगर FMCG के बेस्ट कंपनी के ऊपर निवेश करके भरोसा करके आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रख सकते हैं तो जरूर आप इस कंपनी से दूरी रहिए। आप उससे बेहतर डाबर, मैरिको, इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद उस कंपनी के ऊपर निवेश करिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि जो कंपनी आपको सस्ते दामों में मिल रहा है शायद आपको दिख रहा है मगर वो मार्केट से बाहर हो रहा है, ये चीज़ आप पहले समझ लेना, क्योंकि जो कंपनी का 2000 करोड़ का मार्केट कैप है उसमें हमेशा बहुत भारी भरकम प्रेशर देखने को मिलेगा। कोविड के सिचुएशन में जो कंपनी में देखिए किस तरीके से गिरावट हुआ था, किस तरीके से, उस हिसाब से देखिए फिर से अगर कोविड के सिचुएशन आया, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके हिसाब से काम करिए। तो मेरे पास तो इस कंपनी का कोई भी शेयर अभी तक नहीं है, मैं पहले भी कभी खरीदारी नहीं किया हूँ, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।